हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बाय पीबी शेले। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीट रिपेसिपी टीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोम है हिम। हिम की बेसिकली मीनिंग होती है छंद या रिलीजियस पोम होता है, लेकिन यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। ये जो पोम है इसमें पीबी शैले ने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है जो ट्रांजिएंट नेचर होता है ब्यूटी का। ट्रांजिएंट यानी कि होता है टेम्परेरी, और उसका दिखाया है कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट होता है, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है ह्यूमन इमोशंस पे। ये जो पोम है इसको लिखा गया था 1816 में और इसको पब्लिश किया गया था 1817 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये जो पोएम है इसकी मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर है बी, द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन। ये कहना चाहते हैं इसमें डिस्क्राइब किया गया है ब्यूटी और इंस्पिरेशन का जो नेचर होता है वो ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इन वॉट ईयर वॉज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी फर्स्ट पब्लिश। इसको किस टाइम में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर है बी, 1817 में पब्लिश किया गया था और इसको लिखा गया था 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच पोएट डिड शेले सेंड द पोम फॉर पब्लिकेशन। इस पोम के पब्लिकेशन के लिए शेले ने किस पोएट को इसे सेंड किया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, लेहंड को सेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वेयर वॉज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी रिटेन। इस पोम को कहाँ पे लिखा गया था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, लेक जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, विच कलेक्शन इंक्लूड्स हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये जो पोम है इसको किस कलेक्शन में इंक्लूड किया गया था। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, रोजालिंड एंड हेलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, वॉट लिटरेरी जोनरा डज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी बिलोंग टू। कौन से लिटरेरी जोनरा से बिलोंग करता है आपको बताना है। तो ये चूंकि ना तो नॉवेल है, ना ऐसे है, ना ही ड्रामा है, पोएट्री है और पोएट्री में भी एक ओड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन्थ, वॉट स्टाइल इज हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी रिटेन इन। इसको किस स्टाइल में लिखा गया है। तो सेवन्थ का हमारा सही आंसर है सी, राइम्ड स्टेंजा। स्टेंजा है उसकी एक पर्टिकुलर राइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, वॉट नेचुरल इमेजरी इज यूज टू सिम्बोलाइज द ब्यूटी इन द पोम। पोम में ब्यूटी को सिम्बोलाइज करने के लिए कौन सी नेचुरल इमेजरी का प्रयोग किया गया है। एट का हमारा सही आंसर है सी, सनलाइट एंड मून लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, इन द पोम वॉट डज द स्पीकर कंपेयर द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी। यानी ब्यूटी का जो फ्लीटिंग नेचर है, फ्लीटिंग यानी कि ट्रांजिटरी टेम्परेरी नेचर है, उसको किससे कंपेयर किया है पोएट ने, स्पीकर ने। तो नाइन का हमारा सही आंसर होता है बी, ह्यूज एंड हारमोनीज ऑफ इवनिंग, यानी कि शाम की जो कलर है और हारमोनी माने तालमेल है, उसी से कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंथ, व्हाट डज शेले होप टू अचीव थ्रू द पावर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी के पावर के जरिए शेले ने कौन सी चीज़ को अचीव करने की उम्मीद की है या उम्मीद करते हैं। तो टेन का हमारा सही आंसर होता है सी, फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। सफरिंग से फ्रीडम पाने की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलेवंथ, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटी ऑन ह्यूमन इमोशंस। यानी कि जो है ब्यूटी के इम्पैक्ट को ह्यूमन इमोशंस पे किस तरह से स्पीकर ने डिस्क्राइब किया है। एलेवंथ का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इज़ अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट। बताया है कि यह नरिशमेंट का एक सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेल्व, वॉट डज द स्पीकर अल्टीमेटली आस्क ऑफ ब्यूटी एट द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में ब्यूटी के बारे में क्या पूछता है या क्या कहता है ब्यूटी से। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी,
यानी टू रिमेन विद इन द ह्यूमन हर्ट, ब्यूटी से कहता है कि वो इंसान के हर्ट में रिमेन रहे, बाकी रहे, वहाँ से फेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट डज द अनसीन पावर इन द पोम सिम्बोलाइज, ये जो अनसीन पावर इन पोम में किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, इन वॉट फॉर्म डज शेले प्राइमरीली एक्सप्रेस हिज आइडिया इन दिस पोम, ये कहना चाहते हैं किस फॉर्म में शेले ने अपने आइडियाज़ को इस पोम में एक्सप्रेस किया था, तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, लिरिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, विच लाइन इंडिकेट्स द पोम्स कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन माने होता है विचार करना, तो विच लाइन इंडिकेट्स द पोम्स कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ब्यूटी, ये कहना चाहते हैं जो पोम की मेन थीम है ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ब्यूटी, तो कौन सी लाइन है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, इस चीज़ को इंडिकेट करती है, तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, Why those thou pass away and leave our state? यानी ब्यूटी से कहता है कि तुम क्यों पास हो जा रही हो, तुम क्यों फेड हो जा रही हो और हमें हमारे स्टेट पे छोड़ दे रही हो, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, वॉट इज द इमोशनल टोन ऑफ हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इसका इमोशनल टोन क्या है, तो 16 का हमारा सही आंसर है बी, मेलंकोलिक यानी कि उदासी भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, What does the speaker ask beauty not to do at the end of the poem? Poem के end में speaker beauty से क्या ना करने को कहता है, तो 17 का हमारा सही आंसर है बी, टू डिपार्ट, उससे कहता है कि तुम डिपार्ट ना हो, हमारे पास से जाओ मत, फेड मत हो, हमारे अंदर ही रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, इन विच योर पोएटिक मूवमेंट इज शेले ऑफन एसोसिएटेड, आपको बताना है कि पी वी शेले किस पोएटिक मूवमेंट से संबंधित हैं, तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी कि रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंटली यूज्ड थ्रू आउट द पोम, इस पोम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी, तो 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, सिमली, सिमली की काफ़ी यूज़ किया गया इस पोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हु वॉज द इंटेंडेड ऑडियंस फॉर द पोम व्हेन इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड, जब इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था तो इस किस ऑडियंस को टारगेट किया गया था, किस ऑडियंस को इंटेंड किया गया था, यानी कि क्या मकसद था ऑडियंस, कौन सी ऑडियंस मकसद था इनका, तो 20 का हमारा सही आंसर होता है बी यानी फेलो पोएट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द स्पीकर बिलीव इज एसेंशियल फॉर अ फुलफिलिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस के फुलफिल करने के लिए पोएट के अनुसार क्या चीज़ एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी यानी इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ब्यूटी कई प्रकार की होती है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की बात की गई है, बौद्धिक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द फ्रेज वेल ऑफ टीयर्स रिफर टू इन द पोम, इस पोम में यूज़ किया वेल ऑफ टीयर्स की मीनिंग क्या है आपको बताना है, तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, लाइफ्स हार्डशिप एंड सफरिंग, इससे बताया गया है जिंदगी की मुश्किलात और परेशानियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट रोल डज मेमोरी प्ले इन द पोम, मेमोरी कौन सा रोल प्ले करती है इस पोम में, तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, इट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब देयर चाइल्डहुड क्वेस्ट, क्वेस्ट माने तलाश करना होता है, सर्च करना, तो किस तरह से स्पीकर चाइल्डहुड क्वेस्ट को डिस्क्राइब करता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, फेयरफुल एंड लोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्राइमरीली यूज्ड इन द लाइन लाइक मून बीम्स दैट बिहाइंड सम पिनी माउंटेन शोवर, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे लाइक का यूज़ किया गया है, वेन एवर वी यूज लाइक और एज, तो ये कौन सा होता है, सिमिली होता है, तो इसलिए 25 का हमारा हो जाएगा बी, सिमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच लिटरेरी डिवाइस इज एग्जम्प्लीफाइड बाय द फ्रेज, इस फ्रेज के द्वारा कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया आपको बताना है, फ्रेल स्पेल्स हुज अटर्ड चार्म माइट नॉट अवेल टू सीवर, तो 26 का हमारा सही आंसर है डी, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इन द लाइन दाई लाइट अलोन लाइक मिस्ट ओवर माउंटेन ड्रिवन, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया आपको बताना है,
ना इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच, तो यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया लाइक आ रहा है, लेकिन इसमें बताना है आपको व्हाट डज द सिमिली कंपेयर ब्यूटी टू, सिमिली के थ्रू, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू ब्यूटी को किससे कंपेयर किया गया आपको बताना है। तो 27 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट मिस्ट से कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिपीटेड यूज ऑफ लाइक थ्रू आउट द पोम। पोम में देखेंगे काफ़ी लाइक को रिपीट किया गया है, तो इससे क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है पोम के ऊपर। तो 28 का हमारा सही आंसर है सी, इट इन्हांसेस इमेजरी एंड कंपैरिजन। ये कंपैरिजन और इमेजरी को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।